महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज बहादुरगढ़ शहर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। गुस्साए कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ नगर परिषद के गेट के सामने धरना दिया और ठेकेदार के साथ साथ नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार ने उनका कई महीने का वेतन नहीं दिया है और पिछले 2 साल का पीएफ और ईएसआई ठेकेदार ने जमा नहीं करवाया। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार को बहादुरगढ़ नगर परिषद की ओर से 35 लाख रुपए महीने के हिसाब से शहर के सफाई का ठेका दिया गया था, जिसके तहत उसे 125 सफाई कर्मचारी भर्ती करने थे, लेकिन ठेकेदार ने सिर्फ 58 कर्मचारी ही नियुक्त किए। कर्मचारियों ने नगर परिषद के अधिकारियों से ठेकेदार का ठेका रद्द करने की मांग की है। हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर इन कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या देखा आपने, इनकी सुनवाई हुई नहीं हुई? कर्मचारियों की नाराजगी दूर नहीं हुई है, क्योंकि ना तो कर्मचारियों को सैलरी मिली है, ना उनका ईएसआईपीएफ जमा हुआ है और ना ही उनके निकाले गए कर्मचारियों को वापस लिया गया है। कर्मचारियों की साफ और सीधी सी मांग ये है कि उनको उनकी तनख्वाह वक्त पर मिले, उनका ईएसआईपीएफ जमा हो और जो कर्मचारी गलत तरीके से निकाले गए ठेकेदार की मनमर्जी करते हुए, उनको वापस काम पर लिया जाए। बहादुर नगर परिषद का जो ठेका दिया हुआ है, दो हिस्सों में बात कर दे रखा है। नगर परिषद ने सेक्टर का अलग दे रखा सफाई के लिए और बाकी शहर का अलग। 35 से 37 लाख रुपए हर महीने खर्च होता है और उन शर्तों के लिहाज से ठेकेदार को तकरीबन 125 के करीब कर्मचारियों को रखना था, लेकिन उनके कर्मचारियों की संख्या भी कम बताई है। जो हड़ताल पर बैठे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि कर्मचारी कुल 58 ही लगाए गए हैं, उनमें से 8 को हटा दिया तो 50 बच गए। जो ठेकेदार की जो ठेके की शर्तें हैं वो भी, उनकी उल्लंघना भी हो रही है।